दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश विधूरी ने प्रधानमंत्री द्वारा 30 मई से 30 जून 2023 तक पूरे देश भर के सभी सांसदों से अपने क्षेत्र में महाजन संपर्क अभियान के तहत संपर्क से समर्थन हेतु कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आग्रह किया था। इसी कड़ी में रविवार को दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में जनसंपर्क हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्रैंड ड्रीम बैंक्वेट हॉल मोदी मिल में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूरी भी मौजूद थे। इस दौरान सांसद रमेश विधूरी ने अपने संबोधन में कहा, स्वतंत्रता के 6 दशकों के पश्चात भी देश के अनेक वर्ग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान, दलित इत्यादि कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों में अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए हैं। परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में देश की कमान दोबारा संभालते हुए यह कहा था कि उनकी पहली सरकार आवश्यकताओं की पूर्ति की सरकार थी और दूसरी सरकार आकांक्षाओं की पूर्ति की सरकार होगी। इसी संकल्प के साथ राष्ट्रहित व अंत्योदय व्यक्ति के जनकल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिनसे गरीब व्यक्ति पहले की तुलना में सम्मान के साथ जीवन जी रहा है। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले जो विदेशों में भारत की अस्मिता को तार-तार करने पर लगे हुए हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी दादी के प्रमुखों को भी नहीं देखा कि 19 महीने तक लोकतंत्र की कैसी हत्या हुई और किस बात को लेकर कि इलाहाबाद की अदालत ने उनके चुनाव को 12 मार्च को अवैध घोषित कर दिया कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए और झूठे बैलेट पेपर छपवाकर वोट लेकर चुनाव जीता था, आपके चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। चुनाव को रद्द करने के नाम से तुरंत देश में इमरजेंसी लगाकर देश के सभी राजनेताओं को जेल में ठोक दिया। आज पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं हम लोग, वो हालत भारत की गलती, उसको राजनीति से अलग करने का प्रयास किया। ये काले अध्याय को लेकर हम सब लोग, एक तरफ तो वो लोकतंत्र और एक तरफ ये लोकतंत्र की 2014 से पहले भारत और भारत के लोग इस लोकतंत्र में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के सम्मान के लिए कैसे करा रहे थे, घोटाले, भ्रष्टाचार, अविश्वास, 2G स्पेक्ट्रम।